नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। औरंगाबाद जिले के मदनपुर में जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों की जान जा रही है, जिससे न सिर्फ परिजनों ग्रामीणों में बल्कि पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा है। एक बार फिर मदनपुर थाना क्षेत्र के खिरियावा में 3, अब बेड़ी में 1 और अड़रुआ में 1 की मौत हो से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि ये लोग शाम में शराब पीकर खिरियावा से आए, उसी वक्त इनकी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब मेरे शादी में आए थे वो गेस्ट लोग, तो मतलब इधर उधर बाजू में दारू उरू बिकता है, तो दारू पी ली। उसके बाद में मतलब दिन में दारू पी लिए, शाम के टाइम में मतलब उनको बेचैनी कुछ स्टेप से हो गया। तो हम लोग आए उधर से, तो फिर बोले सब डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। तो हम लोग ले जाते गए मदनपुर में, ले गए तो मदनपुर से बोला कि गया ले जाइए। तो गया ले जाते टाइम में रास्ता में ही ऐसा टेनम स्टेप से हो गया। शराब कहाँ पिए थे? शराब पिए थे पड़रिया मोड़ से। क्या नाम था उनका? बेगूसराय में जातीय जनगणना कराने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भारत बंद के तहत इस शहर के पावर हाउस चौक पर NH-3 को अब प्रदर्शनकारियों ने पूरे तरीके से जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का जत्था NH-31 पर बेंच लगाकर बैनर पोस्टर झंडे के साथ अपनी मांगों को लेकर जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती दिखी। ओबीसी की जातीय जनगणना 75 साल की आजादी में नहीं करने का मतलब है ओबीसी के साथ धोखाधड़ी। ओबीसी का उपयोग किया और उसे अधिकार देने की बात होती है, उसे डाइवर्ट करता है, गिनती नहीं करता है। ईवीएम से घोटाला होती है, ईवीएम से हमारे लोकतंत्र की हत्या होती है। जब VVPAT मशीन लग गया तो उससे दोनों पर्ची का मिलान क्यों नहीं होता है? इसलिए ईवीएम हटा के बैलेट पेपर चुनाव। निजी क्षेत्र जो हमारी सरकार संविधान के विरोध में इसको निजीकरण कर रहा है, हमें निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए, नहीं तो निजीकरण का 100% बंद करना होगा। MSP हमारे किसान भाई, आपने देखा होगा 7 महीना तक दिल्ली के जंतर मंतर चारों ओर घेरे हुए था, लेकिन हमारी सरकार कुंडली मार के बैठ गई। कुछ वैशाली के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल दम तोड़ रही है। रखरखाव की गलत नीतियों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जिस पानी से लोगों की प्यास बुझनी चाहिए, उससे खेतों और खाली भूमि की प्यास बुझाई जा रही है। खबर वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड से है, जहाँ सारे निर्देशों को ताक पर रखकर हर घर नल का जल योजना के पानी की बर्बादी लगातार की जा रही है। एक दो जगह लीक है, लीक करने ठीक करने के लिए बोल रहे थे। लीक कहाँ कहाँ लीक है? लीक खंता में होगा नीचे, और यहाँ तनी मनी लीक है। और आपके जहाँ बोरिंग लगा हुआ है वहाँ भी तो लीक है? वहाँ भी लीक हो रहा है। तो सारा पानी तो बाहर जा रहा है, फिर पाइप में जाएगा कैसे? जाएगा, वो ठीक होगा लीक उसके बाद। ये गड़बड़ है, इसके लिए आप अगला को कहे हैं? कहे तो है। क्या बोला वो? बोला कि ठीक है, मिस्त्री हम बैठा देंगे। कितना सर अभी का जो नजारा है ये जल मीनार का, आपके 6 नंबर वार्ड का, सर क्या देखिए ना, यही हाल है, यहाँ फूटा हुआ है, पानी सबको नहीं मिला। कम से कम वार्ड में कम से कम मान के चलिए ना, कम से कम 30 घर में पानी नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? वही पानी नहीं पहुँच रहा, यहाँ लीकेज है। कहाँ लीकेज है? वो पंप तर लीकेज है, जहाँ पंप है वहाँ लीकेज है। लीकेज है, फिर बीच रास्ते में लीकेज है। अच्छा, हाँ, बहुत जगह के कनेक्शन भी नहीं लगा हुआ है। इसकी जानकारी सर कहीं दिए आप? हम तो कब मतलब दिए, कई बार दिए हैं, आवेदन भी दिए हैं, उस दिन भी आम सभा में आवेदन दिए हैं। हाँ, तो क्या हुआ? अभी तक कोई नोटिस नहीं, बोले कि सोमवार के आएंगे और ठीक करवाएंगे, अभी तक कोई नोटिस नहीं लिए। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दक्षिण सिमरिया पंचायत के सोनवर्षा गांव में हर साल कोशी के कटाव से ग्रामीणों के बीच भय का माहौल देखा जा रहा है। वह इस भय का मुख्य कारण यह है कि कोलासी से होकर बहने वाली कारी कोसी नदी सोनवर्षा गाँव से होते हुए मथुरा की तरफ बहती है। नदी के कटाव के कारण पूर्व में कई घर बह गए थे। नदी का कटाव अब धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ती जा रही है, जिससे ग्रामीणों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। बाढ़ आता है, नदी कट के जमीन धंस जाता है, घर धंस जाता है, और बाढ़ आने के टाइम में सांप बिच्छू सब घुस जाता है घर में, क्या करेंगे? तब उसको मचान उतान करके कोई तरह से हम लोग रहते हैं। अनाज पानी कहाँ कहाँ गिरा जाता है, कोई चूल्हा से नहीं बनता है, बनता है गैस से थोड़ा सा, टीना का चूल्हा बनाते हैं, ऐसे करके खाना बना के खाते हैं। और बाढ़ आता है जब ना, तब जमीन धंसता है, घर से भाग जाता है, बच्चा नदी में गिर जाता है। दिक्कत है, हमारा बाड़ी 2 कट्ठा जमीन है, सब पूरा लोग दिखे काटे गए, बाड़ी घर थकते पड़ने जाते, पानी सब चलाते हैं, सांप टाप मुका पकी सब नए घर समझी जे छले पिले लिए बड़े मुश्किल हुई जे थकते। एक तो बच्चा छे सब बहुने थकते पड़ी ने बाड़ी घर घर तो पानी समझी छे,
हर साल बाढ़ आता है? हाँ, हर साल से कटा हो रहा है नदी का। हाँ, पूरा धसे गए थे। समस्या है? समस्या यही है जो 12 महीना में एक साल होता है, यहाँ का गरीब दुखिया जो देख रहे है ना, ये लोग 6 महीना परेशान रहता है। यहाँ पर एक घर भी था, वो घर बच्चा को बचाने के लिए वो भाग के चला गया दूसरी जगह। अभी एक कट्टा से कम में होगा, 2 जगह धंसेगा, फिर वो नजदीक में चला जाएगा, देख रहे हैं। लेकिन यहाँ का गुजारिश यही है कि नदी में पत्थर लगाएगा, बोरा लगाएगा, विधायक आएगा, विधायक अपना आकर के स्तर में देखेगा। 5 साल में वोट होता है, मुखिया सरपंच आता है, वोट मांग लेता है, बोला जब बना देंगे, लेकिन बनाता नहीं है। दिक्कत क्या है आप लोगों? दिक्कत यही है जो नदी कट रहा है, हमारा नदी कटा। भागलपुर के नवगछिया में ट्रक सहित 32 टन मक्का लूटकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के पास से पुलिस ने लापता ट्रक चालक का मोबाइल और अन्य 2 अभियुक्तों से कुल 2 मोबाइल की बरामदगी की है। पुलिस ने 32 टन मक्का को भी बरामद कर लिया है, पर चालक अब तक लापता है। देखिए, ये दिनांक 20 तारीख रात्रि में एक ट्रक था मक्के लदा हुआ, WB87E1388, लगभग 32 टन मक्के से लोड था, और 0 माइल के पास से वो गाड़ी वहाँ पर देखा गया था। उसके बाद से गाड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर 22 तारीख को ये जो राजकुमार यादव है पंकज, वो हमारे पास आया था और बताया कि ये घटना मेरे साथ हुआ है और गाड़ी जो है जहानवी ट्यूब के पास लगा हुआ है। पूरी बात बताया, जानकारी होते ही मैंने अपने SDPO साहब को बताया और मामला गंभीरता देखते हुए अविलंब कांड दर्ज किया गया और एक SIT गठन किया गया SDPO साहब के नेतृत्व में, उसमें अवकाश पर। पटना से एक महिला की गुमशुदगी की खबर सामने आई, जहां पिछले 5-6 दिनों से एक महिला लापता बताई जा रही है। महिला बुद्धा कॉलोनी के दक्षिणी मंदिर की रहने वाली है, जिसे आखिरी बार पिंक साड़ी में देखा गया था। वहीं महिला की सूचना बताने वाले को उनके परिजनों ने 5,000 की राशि देने का ऐलान किया है। सासाराम में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सासाराम के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने कई स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी है। DM ने बताया कि पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सदर अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी समय पर नहीं आ रहे हैं। साथ ही DPM कार्यालय में भी अनियमितता की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर औचक निरीक्षण किया गया। अस्पताल का बेसिकली जो हमारा DPM ऑफिस है, CMO ऑफिस है और फिर ACMO ऑफिस है, इनके बारे में शिकायतें मिल रही थी कि समय पे जो स्टाफ है नहीं आ रहे हैं, और साथ साथ OT वगैरह की भी कुछ शिकायतें थी। तो देखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा गया है कि बहुत से स्टाफ जो है समय पे भी थे और सर्टेन स्टाफ, कुछ स्टाफ जो है नहीं भी उपस्थित है। तो जो स्टाफ समय पर नहीं उपस्थित हो पाए हैं, उनका वेतन रोक कर उनको सुपोज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।